सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग के एक और नई वीडियो में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। सो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, और इन्हें कश्मीर चाहिए, द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट, वो तो है ही और आगे भी रहेंगे ही। सो गाइस, चलो वीडियो में देखते हैं गाइस। और हाँ, इन पे जो रोस्ट किए हैं वो है ट्विब्रो ऑफिशियल ने, तो देखते हैं, क्योंकि इनका जो रोस्ट करने का तरीका है बहुत ही अलग है, बहुत ही मज़ेदार होता है गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और रिएक्शन भी देखना गाइस। और गाइस, जो भी इस वीडियो पे नए, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ओह, मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की हो के आया हूँ, और मैंने यही कहा मैं आया हूँ तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। भिखारी को कौन पूछता है? यही तो हमारा कहना है, भिखारी को कौन पूछता है? अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो ये कश्मीर के नाम पर हल्ला किस बात का? हमारा जो कश्मीर के अवाम के साथ ताल्लुक है, ये तो नस्लों का साथ है। अच्छा, और उधर पीओके में इन पोरकियों ने नस्लों का साथ वाली कश्मीरी आवाम की क्या हालत की हुई है? खाना हमें उस वक्त मिलता है जब देखते हैं कहीं दौड़ के जाते हैं लाइन में, लगते हैं खाना ले जाते, बिरयानी उस वक्त मिलती है जब कोई आदमी मर जाता है, फिर दुआ करते हैं या अल्लाह जब बिरयानी मिलेगी। लेकिन पीओके में रह रही कश्मीरी आवाम की ये हालत करने के बावजूद भी बंदों को भारतीय कश्मीर चाहिए, उसको आजाद कराना है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के अवाम अपने आजादी हासिल करेंगे। मतलब खुद के मुल्क में पाकिस्तान के आजादी के नारे लगते फिरते हैं। हम चीन के लेंगे और ये कश्मीर को आजाद कराएंगे। पोर्कियों की औकात, ये जरा सुने, जिस देश को कोई भीख नहीं देता वो कश्मीर लेने की बात करता है। वो देश है जो देश बिना भीख मांगे एक दिन नहीं चल सकता। वो देश है जिस देश में प्रधानमंत्री सिर्फ भीख मांगने के लिए बनाया जाता है। वो देश है जिस देश को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। वो देश है जिस देश की T20 बॉयकॉट कराने की औकात नहीं, वो G20 बॉयकॉट कराने की बात करता है। वो देश है मजा आया भाई। लोग, जब से भारत में G20 समिट शुरू हुआ है, पोर्कियों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ है मानो कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में ही फट जाएंगे। हर तरफ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। मकबूसा कश्मीर में मुतनासा G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकल आए, और उधर सड़कों पर निकलने वाले कश्मीरी लोग, हमें अभी से सहूलियत लग रही है, हम चाहते हैं ये मीटिंग्स वगैरह हो जाए क्योंकि ये हमारे कश्मीर के लिए अच्छा है। इट इज वेल गुड स्टेप टू ऑर्गेनाइज G20 इन आवर कश्मीर। भाई, कश्मीरियों ने पोर्कियों को थप्पड़ की तरह जवाब दिया। कश्मीरी लोग न सिर्फ G20 के समर्थन में आए बल्कि सड़कों पर आकर जश्न भी मनाया, जिसे देखकर पोर्की, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, जबकि इसी कश्मीर के खिलाफ बंदे कहते फिर रहे थे। मोदी सरकार हठधर्मी से बास ना आई, इजलास के 22 कश्मीर को जेल बना दिया गया। और जो तुमने अपने पूरे मुल्क को कब्रिस्तान बनाया हुआ है उसका तो नहीं अब बोल, अब बोल, मतलब अब बोल। इमरान समर्थकों को जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा है, पाक पुलिस की जगह सड़कों पर फौज लगाते फिर रहे हैं, यहाँ तक कि इमरान खान पार्टी के मंत्रियों की रिहाई के बाद भी। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बंदे अपने मुल्क की हालत नहीं देखेंगे, पक्षों पेलेंगे तो किस पर? मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास से पहले सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। मतलब भाई, इन पोर्कियों का लॉजिक देखो, अगर दूसरे देशों के नेता प्रतिनिधि भारत में G20 मीटिंग अटेंड करने आएंगे तो भारत उनको सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता, और अगर पाकिस्तान में अगर कोई टुच्ची सी क्रिकेट टीम भी आ जाए तो पोर्की उसे प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देते फिरते हैं। हमें सालों कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर बकचोदी पेलने से अच्छा अपने चैनल को सिक्योरिटी दी होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। गोल्ड न्यूज फैमिली के मजीद 2 मेंबर्स को अगवा कर लिया गया है। खत्म। अब समझे सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। अरे क्या करूं? लोग 4-5 देश G20 मीटिंग अटेंड करने क्या नहीं आए? पोर्कियों को लगा G20 मीटिंग ही रुक जाएगी, पोर्की गला फाड़ कर चिल्लाए। कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस रोकी जाए, और जब पोर्की G20 मीटिंग रोकने में नाकामयाब रहे तो बंदों का कहना था एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत कुछ हासिल नहीं कर सकता। भाई, इसे कहते हैं सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अबे, जब भारत कुछ हासिल नहीं कर सकता तो ये G20 के विरोध में पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक प्रदर्शन किस बात का? G20 ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो G20 कॉन्फ्रेंस का चाइना की तरह बाइकॉट करें। अच्छा, में इंडिया की तरफ से जो
जो G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस की जा रही है, हम कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके लिए सराप एहतजाज है। ठीक है, कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। हाँ, इंडिया का हिस्सा नहीं है, तेरे बाप का हिस्सा है। अरे बाप तो इनका इंडिया ही है। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इंग्लैंड में वो हाल बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में जरा भी कुछ हो जाए, बंदे इंग्लैंड में हाल प्रदर्शन करने लग जाते हैं। जिन्ना हाउस समेत पाक आर्मी पर हमले पाकिस्तान में हुए और बंदे प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। यूके में रहने वाले उसकी जगह से हम इसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार पाकिस्तान में किया गया और बंदे प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं। यही डिमांड अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से रहेगी कि फौरन से फौरन इस मामले में जो इंटरवीन करके और पाकिस्तान में इमरान खान को रिलीज करवाया जाए। खान साहब को अरेस्ट करके उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन को क्रॉस किया। खुदा का वास्ता है, अवाम को मजबूर मत करे कि वो कानून हाथ में ले। बकचोदी सुनने के बाद इंग्लैंड की पुलिस, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। मतलब भाई सारे के सारे ड्रामे चल पाकिस्तान में रहे हैं और बंदे तबाही मचाने कहाँ निकल आते हैं इंग्लैंड में। और इन बंदों का चुतियापा, कभी यही बंदे इंग्लैंड में कश्मीर की आजादी के नारे लगाते फिरते हैं तो कभी यही बंदे उसी इंग्लैंड में पाकिस्तान की आजादी के। और उधर कभी कश्मीर कभी पाकिस्तान की आजादी के नारे लगता देख ब्रिटिश सरकार। देखो बाबा तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। खुद पता हो तो समस्या बताएं भी। पोरियो को खुद ही नहीं पता कि इनकी समस्या क्या है। भाई इन पोरियो का क्या है, कोई देश पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दे तो मोदी सरकार रुकावट है। पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम खेलने ना जाना चाहे तो मोदी सरकार वो रुकावट है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो मोदी जी के खिलाफ ही भौंकेंगे। जबकि इन भिखारियों और मोदी जी में अंतर, अमेरिकन पीएम मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगते हैं, पापुआ न्यू गिनी के पीएम मोदी जी के पैर छूते हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन पीएम तो मोदी जी को बॉस तक कह देते हैं। जबकि ये पोर्की जब दूसरे देशों के नेताओं से मिलते हैं तो वो पोर्कियों से क्या कहते हैं, क्या रे भीख मंगिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। सो गाइस इन लोग G20 तो बंद नहीं करवा सकते, G20 बंद करवाएंगे। औकात देखो इन लोगों की, औकात छोटे और शौक नवाबों की। कैसे कहावत है गाइस, आप लोग कमेंट में मेरे से तो आप मेरे को आते नहीं। तो गाइस ये है, और इन पोर्की और भिखारियों को तो भाई जहाँ जाएगा वही यही लोग कहेंगे भीख मांगने आ गया। तो ऐसे होना नहीं चाहिए इन लोगों के साथ, लेकिन हो रहा है तो कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। और इन लोग खुद देश को खा रहे हैं अपने, तो इन लोग को ही अपनी ही गलती है इन लोगों की, हम अलग कोई और देश की गलती है नहीं। लेकिन इन लोग बस ब्लेम करना जानते हैं दूसरे देशों के ऊपर, तो ये लोग इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आते हैं। कूटनीतिक चल चलना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो गाइज आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और गाइज जैसा भी लगा हो कमेंट में सेक्शन में जरूर लिख भी देना गाइज। और गाइज जो भी इस वीडियो पे नए हैं, जिन्होंने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए।